हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोता गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, रोज की तरह आज भी आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसके विषय में। लेकिन उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दिनांक 19 मई सन 2023 दिन शुक्रवार संवत 2080 का है। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। और आज तिथि होगी अमावस्या, जिसको हम ज्येष्ठ माह की अमावस्या भी कहते हैं। नक्षत्र भरणी होगा, योग रहेगा शोभन, करण होगा चतुष्पाद और राशि होगी आज मेष। और चंद्रमा दोपहर 1:35 पर मेष राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी आज प्रातः 10:44 से लेकर दोपहर 12:23 तक। और अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि इस प्रकार रहेगी, प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:47 तक। और इसके अतिरिक्त आज प्रिय साथियों शनिश्चर जयंती भी है और वट सावित्री व्रत भी है जी। तो ये थी जानकारी आपके पंचांग को लेकर के। अब आगे बात करेंगे आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो देखते तो हैं पर अभी भी 80% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आरंभ करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। साथियों, आज का जो दिन है वो काफी दौड़ भाग भरा रहने की संभावना है, उसके कारण थोड़ा सा आपका मूड भी अपसेट हो सकता है। आपको मेरी ये यहाँ पर सुझाव है कि एक तो शराब सिगरेट जैसी चीज़ों पर अपना व्यर्थ पैसा खर्च ना करें बिना वजह, क्योंकि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करेगा ही और आपकी पॉकेट को भी लूज करेगा, इससे आपकी वित्तीय स्थिति भी बिगड़ेगी। दोस्तों का मित्रों का साथ राहत देगा आपको काफ़ी, और आपकी आँखें इतनी चमकीली रहे हैं आज कि वे आपके प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती हैं। जी हाँ, इस राशि के कारोबारी आज किसी करीबी की गलत सलाह के कारण थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं, तो लिहाजा इस बात का जरा ध्यान रखा जाए। जॉब करने वाले जातकों को आज कार्य क्षेत्र में सोच समझ कर चलने की जरूरत रहेगी, और अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उनके खोने या चोरी होने की भी अच्छी खासी संभावना बनी हुई है। आपको ये महसूस होगा कि आपका जीवन साथी आज से पहले इतना अच्छा कभी था ही नहीं, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी। उपाय आप करें, बड़ी स्त्रियां, बड़ी महिलाएं, यानी कि जैसे माता हैं आपकी या आपकी दादी हैं, नानी हैं या उनके कोई समरूप, उनके बराबर कोई उम्र जैसी महिला, उम्रदराज बुजुर्ग महिला, उनका आप आशीर्वाद ग्रहण करें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका दिन भी अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए आज 5। आगे बात करेंगे वृषभ राशि की यानी कि टॉरस साइन। तो बच्चे, आपकी शाम को आज काफ़ी एक तरीके से खुशनुमा बनाएंगे और आपके लिए शाम जो होगी वो काफ़ी चमकीली रहेगी एक तरीके से। थकाऊ और उबाऊ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर का आप योजना बना सकते हैं अपने परिवार के साथ। उनका साथ आपके शरीर में फिर से नई ऊर्जा भर देगा और जीवन के बुरे दौर में पैसा आपके काम आएगा, इसलिए आज से ही अपने पैसे की बचत करने के विषय में विचार करें, नहीं तो आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव, इनमें भी आपकी रुचि रहेगी और इनमें वृद्धि भी होगी, इजाफा भी होगा। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आपके आने वाली है। अपने कार्य और प्राथमिकताओं पर जो आपका फोकस है वो अधिक रहेगा। जो लोग बीते हुए कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्त चल रहे थे उन्हें आज अपने लिए कुछ सुकून और फुर्सत के पल मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है साथियों, लेकिन आज के दिन आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे।
उपाय आप ये करें, कन्याओं एवं कुलीन स्त्रियों का आदर करने पर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर और मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए भूरा, शुभ अंक आपके लिए आज 3। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। साथियों, सुकून हासिल करने के लिए कुछ पल अपने करीबी मित्रों के साथ आप बिता सकते हैं। आज आपको कमीशन या कहीं से कुछ लाभ या रॉयल्टी के रूप में कुछ फायदा हो सकता है। ऐसी जानकारी जाहिर ना करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय है। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे आपके, और व्यवसायियों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि उन्हें अचानक कोई बड़ा फायदा भी आज हो सकता है। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की आपकी ओर से सलाह दी जाएगी, और किसी पड़ोसी मित्र या रिश्तेदार के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस होने की संभावना बनी हुई है। उपाय आप करें, मांस मदिरा या कोई इस तरीके का कोई भी मादक पदार्थ या कोई भी तामसिक भोजन, ऐसी चीजों से दूरी बना करके रखें। उनका त्याग करने से आपका जो पारिवारिक जीवन है बहुत सुखद होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, शुभ अंक आपके लिए आज 8। कर्क राशि यानी कैंसर साइन। तो साथियों, बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव देगा आपको आज। अपने लिए पैसा बचाने का भी जो आपका ख्याल है वो आज पूरा होगा, और आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम रहेंगे। जो आपके मित्र हैं शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन काफी खुशनुमा बना सकते हैं। मोहब्बत और रोमांस आपको काफी खुशमिजाज रखेंगे, और आप स्वयं को ऊर्जा से सराबोर महसूस करेंगे। इस ऊर्जा का प्रयोग कामकाज में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और यात्रा के मौकों को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए आपको अगर कोई मौका ऐसा मिलता है। देखिए, वैवाहिक जीवन में निष्ठा का ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक रहता है, लेकिन आज के दिन आप दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। उपाय आप करें, रात को पानी में जौ भिगो करके रख दें एवं सुबह किसी जानवर या पक्षी को उसको खिलाएं। ऐसा उपाय करने पर आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून, शुभ अंक आपके लिए आज 7। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। तो साथियों, आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, और कुछ असाधारण कार्य करने की भी आपकी इच्छा रहेगी। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। देखिए, अपने फैसले बच्चों पर थोपना ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चों को इरिटेट कर सकता है। बेहतर ये होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष थोड़ा ढंग से समझाएं, ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर लें। एक बार आप अपने हम कदम को हासिल करें तो जिंदगी में किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन रहेगा आज, क्योंकि उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। आज अपने प्रेमी के साथ वक्त आप बिता पाएंगे और उनके सामने अपने जज्बातों को भी रख पाएंगे। वैवाहिक जीवन में गर्मजोशी और गर्म खाने की बहुत अहमियत है, आप आज दोनों का ही पूरा आनंद लेंगे। उपाय आप करें, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुखद होगा, खुशियां बढ़ेंगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक आपके लिए 6। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। साथियों, आपको अपना अतिरिक्त समय अपने शौक पूरे करने या उन कार्यों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा आप अपने आप यानी कि एंजॉय फील करते हैं, और आप स्वयं को नए रोमांचक हालात में भी पाएंगे आज के दिन, जो आपको आर्थिक तौर पर भी फायदा उसके कारण पहुंचेगा। अपने मित्रों को अपने उदार स्वभाव का गलत फायदा उठाने की इजाजत बिल्कुल ना दें। देखिए, प्यार का बुखार आपके सर पर चढ़ने के लिए तैयार है, और इसका अनुभव आपको करना है। जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे खिसकेंगे। देखिए, साफ गोई से अपने मन की बात कहने में घबराना नहीं चाहिए, ईमानदारी से अपनी बात को रखना चाहिए, और जीवन साथी के साथ ये एक बढ़िया दिन आपका गुजरने वाला है। उपाय आप ये करें, जितने भी तामसिक भोजन है या फिर मादक पदार्थ हैं उनका त्याग अगर आप करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और ये सुखद होगा। शुभ रंग आपके लिए संतरी और शुभ अंक आपके लिए आज 9। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन।
प्रिय साथियों, आपका जो ईर्ष्यालु स्वभाव है आपको उदास और दुखी बना सकता है। आज आप ये चोट खुद को पहुंचा रहे हैं ये मान के चलें, और इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसको छोड़ने की कोशिश करें। दूसरों के सुख और दुख बांटने की आदत अपने अंदर विकसित करें, और चंद्र की स्थिति के कारण आज आपका धन बेवजह की चीजों पर भी खर्च हो सकता है। अगर आपको धन संचय करके रखना है या करना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी या माता पिता से इसके बारे में अवश्य बात करें। देखिए, कोई व्यक्ति आपको आज नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, और कई मजबूत ताकतें आपके अगेंस्ट में जाकर के काम करने वाली हैं आज के दिन। इसका ध्यान रखना है आपको, और आपको ऐसे कदम उठाने से भी बचना चाहिए जिसके चलते उनका और आपका आमना सामना हो या आपस में किसी प्रकार का टकराव हो। और अगर आप हिसाब बराबर करना चाहें तो ऐसा बहुत सलीके से आप करें। आपको प्यार में गम का सामना करना पड़ सकता है, ये उन उम्दा दिनों में से एक दिन है जब कार्य क्षेत्र में आप अच्छा महसूस करेंगे, और आज आपके सहकर्मी आपके कार्यों की तारीफ करेंगे, यानी कि आपका बॉस भी आपके काम से काफी खुश होगा। कारोबारी भी आज अपने कारोबार के द्वारा मुनाफा कमा सकते हैं, और आपका जो संगी साथी है आपसे सिर्फ कुछ समय चाहेगा कि आप उसके लिए कुछ थोड़ा समय जरूर निकालें, लेकिन आप उनको समय नहीं दे पाएंगे जिससे कि उनका थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है आपके प्रति। आज उनकी ये खिन्नता स्पष्टता के साथ आपके सामने आ भी सकती है, और जीवन साथी की खराब सेहत का असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा, लेकिन आप किसी तरह चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। उपाय आप करें, सोने की चेन जो पेट तक स्पर्श करे उसको आप धारण करें, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा उपाय है। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए आज एक। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, देखिए आज आपका कोई मित्र आपका परिचय किसी खास विशेष व्यक्ति से करा सकते हैं, जो आपकी सोच पर उसका गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। और आज यदि आप अपने मित्र के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो पैसा भी सोच समझ करके ही खर्च करें, क्योंकि यहाँ पर धन हानि होने के काफ़ी संभावना है। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त आपका जो उत्साह है वो सकारात्मक परिणाम आपको दिलाएंगे, एवं घरेलू तनाव दूर करने में भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। और आज के दिन आप ये महसूस करेंगे कि प्यार में काफ़ी गहराई होती है, और आपका जो प्रिय है आपको सदा बहुत प्यार करेगा। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में कुछ अपनी उन्नति के लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं, और अपने क्षेत्रों में आपको अपार सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना भी है आज। और अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर औरों से बेहतर बनने की आपको कोशिश करनी चाहिए। चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ की अहमियत कैसी होती है। उपाय आप कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को और बेहतर देखना चाहते हैं तो उसके लिए गाय को आप गुड़ खिलाएं। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद और शुभ अंक आपके लिए आज आठ। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, तो साथियों अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा आज के दिन। विशेष तौर पर माइग्रेन के मरीजों को समय पर खाना बिल्कुल खा लेना चाहिए, नहीं तो उनको व्यर्थ में भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में भी कामयाब हो सकते हैं, और जब आप समूह में हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं, और बिना ज्यादा समझे बूझे अचानक कहे गए शब्दों के चलते हुए आप कड़ी आलोचना का शिकार भी हो सकते हैं। आपका जो प्रिय है आपको खुश रखने के लिए कुछ अलग से कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, और यह उन्हें उम्दा दिनों में से आज एक दिन है जब कार्य क्षेत्र में आप अपना एक अच्छा अपने आप को फील करेंगे, अच्छा एटमोसफेयर आप ऐसा फील करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा एटमोसफेयर है आज। आज आपके सहकर्मी आपके कार्यों की करेंगे तारीफ, और आपका बॉस भी आपके कार्यों से होगा खुश। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमाएंगे, और अगर आप सोचते हैं कि अपने जो मित्र हैं उनके साथ आवश्यकता से अधिक समय बिताना आपके लिए सही है तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले समय में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ होगा जितना कि आज होगा। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी मिल सकता है। आप उपाय करें, हल्दी की गांठ या पीपल के 5 पत्ते अपने सिरहाने यानी कि अपने तकिए के नीचे रखकर सोने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए आज 7। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन,
साथियों, तली भुनी चीज़ों को खाने से दूर रहें और रोजाना कसरत यानी कि एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें। नई आर्थिक करार यानी कि कोई एग्रीमेंट या कोई टाई अप, आज उसको आप अमली जामा पहनाएंगे, अंतिम रूप देंगे, और धन की आपकी धन की जो आगमन है वो आपका लिए होता रहेगा। आज पारिवारिक तनावों को अपनी एकाग्रता भंग बिल्कुल ना करने दें। देखिए, बुरा दौर ज्यादा सिखाता है और उदासी के भंवर में आप खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर ये है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की आपके द्वारा कोशिश की जाए। और यह भी संभव है कि आज आप अपने प्रिय को टॉफी और चॉकलेट वगैरह या कोई और मीठी चीज, कोई अच्छी टेस्टी चीज खाने को दें। अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल अपने हित में करें, इसकी मदद से आप पेशेवर योजनाओं और नए विचारों को भी पूरा कर पाएंगे। वक्त से हर कार्य को पूरा करना बहुत अच्छा होता है और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। अगर आप हर कार्य को कल पर टालते रहे या टालने की आपकी हैबिट है तो अपने लिए आप कभी समय निकाल ही नहीं पाएंगे। आपको ये महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है। उपाय आप करें, सफ़ेद कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पहनने के से स्वास्थ्य बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए आज 7। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। साथियों, आज के दिन आप कुंभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े व्यक्ति से, बड़े जो आपके घर के बड़े हैं, उनसे आप धन संचय करने की सलाह ले सकते हैं कि धन किस प्रकार संचय करें। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताने की कोशिश करें, उससे आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव आप दूसरों को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य बिल्कुल ना करें जो आप स्वयं नहीं करना चाहते। और आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से आज आपको कुछ नया उपहार मिल सकता है। उपाय आप करें, बहते जल में श्रीफल यानी कि नारियल प्रवाहित करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए 4। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। साथियों, बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की जो आदत है वो आपकी सेहत को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा सकती है, ये बात आपको समझनी होगी। और आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदना काफ़ी आसान रहेगा आज के दिन। और किसी दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली कोई खबर आज आपका दिन बना सकती है। मोहब्बत का सफ़र प्यारा मगर छोटा रहेगा। और जो स्मॉल स्केल का कार्य करते हैं यानी कि लघु व्यवसाय करने वाले आप जो मीन राशि के जातक हैं, उनको आज थोड़ा लॉस भी हो सकता है, इसकी संभावना बन रही है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि आपको विशेष तौर पर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मेहनत सही दिशा में चल रही है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आज का दिन फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई नज़र आती हैं और आप हर कार्य में आगे रहेंगे। आपकी व्यस्त जो दिनचर्या है उसके चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा बहुत शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बातों को समझने की कोशिश करेगा और आपको हग भी करेगा, गले लगाएगा। उपाय आप करें, रात को पानी में जौ भिगो कर रख दें और सुबह उठ करके किसी जानवर या पक्षी को उसे खिलाएं, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए आज 9। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल, दिनांक 19 मई सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080 का। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत हो सकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमको यहाँ पर अपनी वाणी को देना होगा विराम और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।